सदगुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। अनेकत्व के कारण संसार में झगड़ा, धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, संत मत का वार्षिक सत्संग 1910 ईस्वी में पहले पहल इसी जिले के अंदर जोत राम राय में हुआ था। तब जिला वार्षिक ही इसका नाम था और 1913 ईस्वी में यह कटिहार में हुआ। उस समय हमारे गुरु महाराज विराजते थे, उन्होंने भी अपना पवित्र दर्शन उस सत्संग में दिया था। फिर बिहार प्रांतीय रूप धारण किया। कुछ वर्षों के बाद बभन गामा में इसका नाम अखिल भारतीय संतमत सत्संग पड़ा। 1907 ईस्वी से सत्संग आरंभ हुआ। बहुत लोग चले गए। शुरू में इसके प्रचारक जो अल्पसंख्यक थे उन्हें बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी। लोग ख्याल करते थे कि इससे जनसमूह को कोई लाभ नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं कि बात पुरानी है। ये लोग उनकी याद दिला रहे हैं। अध्यात्मवाद का इतना विचार इस देश में हुआ कि इसका नाम वेदांत पड़ गया। इस ज्ञान को अंत तक महर्षियों और मुनियों ने जाना। बुद्ध के जमाने से और जो संत महात्मा हुए, तरह तरह से इसी को लोगों के सामने रखा। आप नाना संप्रदायों एवं धर्मों को देखते हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। इन संप्रदायों के अंदर जो ज्ञान है उसको पकड़िए और बाहरी रीति रिवाज पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन पहले आप ज्ञान को लीजिए। वह ईश्वरीय ज्ञान एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक एक संप्रदाय की अलग अलग ईश्वर संबंध में बात है। लोग समझते हैं कि जैसे एक गांव में जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के लिए भी हैं। ठीक ठीक इसको विचारो। कोई राम, कोई गॉड, कोई अल्लाह कहते हैं, तो ये ईश्वर अनेक नहीं होते, ईश्वर एक ही रहते हैं। उसी तरह से कोई शिव की पूजा की सामग्री लेकर शिव जी की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की पूजा की सामग्री लेकर विष्णु की पूजा करते हैं, कोई गणेश की पूजा की सामग्री लेकर गणेश की पूजा करते हैं, कोई सूर्य के उपासक पूजा की सामग्री लेकर सूर्य की पूजा करते हैं। इन भिन्न भिन्न तरह के से पूजा को देखकर लोग कहते हैं कि ईश्वर पाने के बहुत रास्ते हैं। असल में ये रास्ते नहीं हैं, लेकिन ये अनुपयोगी हैं। यह मैं नहीं कहता। जिसको रास्ता कहते हैं उसके द्वारा उस पर चलने के लिए सहायता मिलती है। रास्ता कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचता है, रास्ता पर चलने वाला कौन है, यह जानेंगे तो कहेंगे कि सबका एक ही रास्ता है। सभी आस्तिक कहते हैं कि एक ईश्वर तक जाना है, चाहे वह वैदिक धर्म तथा उसके अनेक संप्रदाय के कोई हो, अथवा इस्लाम या ईसाई धर्म के हो। सभी धर्म वालों से आप पूछिए कि क्या ईश्वर आपके अंदर हैं, चाहे वे ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म के हो। आप पूछिए कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, इसको मानते हैं? बहुत लोग नहीं जानते हैं और जानने वाले कम हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर सबके अंदर है। दूसरी बात यह है कि अपने आप को समझो कि हो या नहीं। प्रत्येक के विचार में है कि मैं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ इसका निर्णय कम लोग जानते हैं। कुछ लोग अच्छे विद्वान हैं, साधु संत हैं, सत्संगी हैं, वे जानते हैं कि कोई बौद्धिक ज्ञान में मानते हैं और बहुत कम अनुभूति के रूप में जानते हैं। अप्रोक्ष रूप में इसका ज्ञान हो कि मैं यही हूँ, जैसे अपने शरीर को देखता है,
ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ये ही महात्मा होते हैं जो संत कहलाने वाले होते हैं। वैसे तो भेष में कुछ कह दीजिए, लेकिन यथार्थ में संत वे ही हैं जो ईश्वर को पहचानते हैं। अच्छे विद्वान और जो पढ़े नहीं हैं, किंतु जिन्होंने सत्संग अधिक किए हैं, वे भी सत्संग के द्वारा बौद्धिक ज्ञान में जानते हैं। मैं अपने शरीर में हूँ और ईश्वर सर्वव्यापक रूप से सब शरीरों में है। जीवात्मा को चाहिए कि वह परमात्मा तक पहुँचे, दर्शन करे। यह इसलिए कि उस दर्शन से मनुष्य परम शांति को पाता है। बिना इस दर्शन के परम शांति नहीं मिलती। जो जानने वाला है वह जीवात्मा है और उसी को परमात्मा तक जाना है। दोनों इस संसार में हैं, लेकिन कुछ कारणों से जीवात्मा को ईश्वर की प्रत्यक्षता नहीं होती। वे कारण ये हैं कि माया के स्थूल सूक्ष्म आदि भेदों से जीवात्मा के आवृत रहने में उसे केवल इंद्रिय ज्ञान में रहना पड़ता है। इसीलिए उसको इस दशा में ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान कहीं नहीं होता। चाहिए कि यह जीव चेतन आत्मा अपने को इंद्रिय ज्ञान से बाहर कर निजी ज्ञान में हो जाए। तब ऐसा जहाँ पर हो सकेगा वहीं ईश्वर का दर्शन होगा, और ऐसा होने के वास्ते माया के सब आवरणों को पार करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। एक ही घर में दो मित्र हैं वा एक ही घर में प्रभु और दास हैं, तो मिलने के लिए घर ही घर चलना होगा। बाहर जाने की क्या जरूरत, दिल दिल में खुदा है, ईश्वर सर्वव्यापक है। अपने शरीर में ईश्वर है और मैं भी इस शरीर में हूँ, इसलिए अंदर का रास्ता होगा ईश्वर तक जाने के लिए। आँख कान कुछ नहीं, दोनों का रहना शरीर में है, इसलिए शरीर के अंदर का रास्ता एक ही है। यह अंतर्मार्ग का रास्ता तिरछा तिरछी नहीं है। बाहर कोई चीज भोजन के लिए लेते हैं तो मुंह में देते हैं, वह पेट तक जाता है। क्या किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को भोजन करने का दूसरा रास्ता है? सौर शैव गणपत्य इस्लाम ईसाई कोई धर्म का आप क्यों न हो, सब के खाने के लिए पेट भरने के लिए एक ही रास्ता है, मुंह। डॉक्टर जानते हैं कि सबके अंदर की बनावट एक है। इसी तरह ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक ही है। ऐसा नहीं है कि धर्म के लोगों के लिए एक धर्म के लोगों के लिए जीवात्मा शरीर की एक जगह में और दूसरे धर्म के लोगों के लिए जीवात्मा का निवास शरीर की दूसरी जगह पर। जिस तरह शरीर में आंख कान नाक आदि इंद्रियां सभी धर्म के लोगों को एक ही जगह पर है, उसी तरह सब धर्मों के लोगों के शरीर में जीवात्मा के रहने का स्थान एक ही जगह पर है। इसी जगह से चलने का रास्ता आरंभ है, ईश्वर तक जाने का एक ही रास्ता है। इसी को बताने के लिए संत मत का प्रचार है। इस संसार में सब में एक मेल हो, इसीलिए धर्म बना है। आज अनेक मत संप्रदाय है और इन अनेकत्व के कारण संसार में झगड़ा और उपद्रव है। किसी को एक दूसरे से मेल नहीं है। जब तक जड़ से एक रूप में नहीं आवे, तब तक उसके डाल पात में एकत्व होना संभव नहीं है। तमाम धर्म मजहब का ईश्वर एक है, सबके लिए एक मार्ग है, सब में एक ही भाव आवे, इसलिए सत्संग का प्रचार है। पहले द्वंद द्वेष अपने देश से भागे, फिर विश्व से भागे। जब तक द्वंद मस्ता रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब तक धर्म को नहीं समझेगा द्वंद नहीं मिटेगा। धर्म का मूल ईश्वर है। एक ईश्वर को समझ लेने पर आत्मवत्त सर्वभूतेषु हो जाएगा। जब बोलने का मुंह में बोल आता है, तभी से राम राम शिव शिव ईश्वरवाचक शब्द हमसे कहलवाया जाता है। यह भाव हमको आस्तिक भाव में प्रतिष्ठित करता है। राम क्या है, बूढ़े से पूछने पर वे जानते हैं, समझाते हैं। ईश्वर कोई है, उसी को हम राम शिव कहते हैं। संसार में देखते हैं
कि घर में भी एक मालिक होता है, प्रांत में एक मालिक होता है, देश का एक मालिक होता है, उसी तरह विश्व का एक मालिक है, इसी को ईश्वर कहते हैं। कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। नहीं मानने वाले काफिर व नास्तिक कहलाते हैं। हम लोग ईश्वर को मानते हैं, पहले सोचो कि सबसे पहले का कुछ है व नहीं। अपनी अपनी पुस्तक को छोड़ दो अथवा पुस्तक में देखो कि सबसे पहले का कुछ माना है कि नहीं। सृष्टि को देखो तो पांच तत्व हैं, पांचों तत्वों में सबसे पहले आकाश है। बिना आकाश के वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कहाँ रहे? तारामंडल कहाँ रहे? इसमें सिलसिला है। जैसे सबसे पहले आकाश को मानते हैं तो उसके बाद वायु को मानना पड़ता है, क्योंकि आकाश से स्थूलता हवा में है और उससे विशेष स्थूलता आई तो अग्नि, फिर उससे अधिक स्थूल जल, अंत में मिट्टी कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि पंच भौतिक जगत में प्रारंभ में आकाश था, फिर हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी हुई। यह संसार सौर जगत है, इसमें पहले सूर्य हुआ, सूर्य से पहले वाष्प था, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। इस तरह भी सृष्टि में क्रम मालूम होता है। इसी तरह वाष्प और आकाश से आगे बढ़े तो वहां पर होता है कि समष्टि अहंकार है। प्रत्येक जीव के अंदर व्यष्टि अहंकार है, इसके पूर्व बुद्धि और बुद्धि के पूर्व प्रकृति अर्थात त्रैगुणमयी चीज व मसाला। रचना के अंदर तीन गुण देखते हैं, चाहे किसी का शरीर हो या वृक्ष हो, सेंद्रीय निरिंद्रीय सभी चीजों में तीन गुण देखते हैं। तीनों गुणों का वर्णन तमोगुण विनाशक शक्ति है, रजोगुण उत्पादक शक्ति, सतोगुण पालक शक्ति एवं इन्हीं तीनों गुणों का तमाम प्रसार है। इसका एक ही भाव होना चाहिए, इसी को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सेंद्रीय एवं निरिंद्रीय दो प्रकार की सृष्टि हुई। निरिंद्रीय सृष्टि में पहले आकाश और सेंद्रीय सृष्टि में पहले मन हुआ। इन सब बातों को देखकर पता चलता है कि सृष्टि क्रम में पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह हुआ। सबसे पहले का कुछ होना भी आवश्यक है। सबसे पूर्व का एक पदार्थ है जो शक्ति और ज्ञान का पुंज है। यदि ऐसा नहीं हो तो संसार में जो ज्ञान और शक्ति देखते हैं, यह कहाँ से आई? इसलिए स्वर्ग हिवेन और बहिष्ट में शक्ति ज्ञान को देखते हैं। इसलिए इन सब का जो खजाना है वह ऐसा होगा जो बिना अवकाश छोड़े होगा, उसके अतिरिक्त अवकाश बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके अतिरिक्त अवकाश बचेगा तो अवकाश ही पहले का होगा। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। यह प्रवचन पुरैनिया जिला अंतर्गत ग्राम रोशन हाट में दिनांक 3/4/1964 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।